नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। यूपी बोर्ड के सिलेबस में अब एक और नया और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को शामिल कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट्स अब सिलेबस में अनिवार्य रूप से वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे ताकि बच्चे देश के वीरों की शौर्य गाथा से परिचित हो सके। वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में वीर सावरकर और RSS फाउंडर बलिराम हेडगेवार पर जो चैप्टर थे उन्हें हटा दिया गया है। खैर, उत्तर प्रदेश पर वापस लौटते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद से ही इन महापुरुषों के नामों को लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। इसको लेकर कुछ समय पहले यूपी बोर्ड के विषय एक्सपर्ट्स की ओर से महापुरुषों के नाम की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर शासन की मोहर लगने के बाद यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी गाथा शामिल कर दी गई है। ये विषय सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और बच्चों को इस विषय में पास होना भी जरूरी है। ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। हालांकि इसके नंबर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में शामिल नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं कि कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र किन महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। कक्षा 9 के छात्र चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, विनायक दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन और जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा पढ़ेंगे। जबकि 10वीं के छात्र मंगल पांडे, रोशन सिंह, सुखदेव, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। वहीं कक्षा 11 के छात्र राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राम मोहन रॉय, सरोजिनी नायडू, नाना साहेब, महर्षि पतंजलि और सुश्रुत जैसे महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। वहीं 12वीं के छात्र रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बंकिम चंद्र चटर्जी, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रामानुजाचार्य, पाणिनी, आर्यभट्ट और CV रमन की जीवन गाथा पढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, ऐसा सिलेबस देश के और राज्यों में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।